ऐसे ही अपने यूपी में करवा दो जी, जब जुगाड़ पे ही सब कुछ करना है तो। जब हम महिलाएं डायस पे जाते हैं तो पुरुषों को लगता है कि इनका काम तो है खाना बनाना, बच्चा पालना, ये इससे अधिक काम नहीं कर सकती हैं, उन्हें ये हमेशा ये लगता है, और उसका भुगतान हम लोगों को उस डायस पे भी करना पड़ता है। कोई सीनियर लेडीज़ एडवोकेट ही नहीं है लेडीज़ों में, मतलब क्या है, हम लोग कैपेबल नहीं है, रिजर्वेशन होना चाहिए। हम महिला ये डिमांड करेंगे कि हम सरकार, आने वाली सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हम हाईकोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, हमें भी यहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट से लेकर जज बनने तक का और चीफ जस्टिस बनने तक का रिजर्वेशन हम लोगों को चाहिए। एक दो महिलाएं, एक महिला तो ऐसी ही हमारे हाईकोर्ट में कि मैं दिखा सकती हूँ आपको, बच्चा लेकर के आती है, टेबल पर लिटाती है। तो वोट उसी को करेंगे, सपोर्ट उसी को करेंगे जो हमारे फीमेल के लिए सोचेगा और एडवोकेट्स के लिए जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए सोचे। मैसेज देना तो चाह रही हूँ कि हाईकोर्ट में क्या, डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट, बहुत सी समस्याएं हैं। मेरे पीछे आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट दिख रहा होगा, हम प्रयागराज में हैं और मेरे साथ बहुत सारी महिला वकील हैं। जब बात न्याय की होती है, न्यायतंत्र की होती है, तो आपको न्याय की मूर्ति के रूप में, न्याय की देवी के रूप में एक स्टैचू की छवि याद आती होगी, जिसमें एक कानून की देवी खड़ी होती है जिसके हाथ में तराजू होता है और वो ये इंश्योर करने का एक सिंबल होता है कि जस्टिस विल बी सर्व। तो वहाँ पर तो हमें महिलाएं दिखती है, लेकिन इस तंत्र में, इस पूरे न्याय तंत्र में कितनी महिलाएं हैं, उनकी हिस्सेदारी क्या है, वो जो हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, ये सब जानने समझने के लिए मैं इन एडवोकेट से बात करने के लिए आई हूँ। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम एडवोकेट श्रद्धा शुक्ला है। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा 5 ईयर्स हो गया है, मैं यहाँ, हाँ 5 साल हो गया है मेरे। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि यहाँ इस इलाहाबाद हाईकोर्ट में कितने मेल प्रैक्टिशनर्स हैं और कितनी फीमेल हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर ऑन रोल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन लोगों के होते जा रहे हैं, 18,000 तक हो गए हैं, 80,000 प्लस ही होंगे और मेल, और उसमें फीमेल जो हैं अगर रेगुलर प्रैक्टिशनर होंगी तो हमारी 1,000 प्लस होंगी, इससे ज़्यादा नहीं, 18,000 मर्द, 1,000 1,500 के अंदर में हम महिलाओं को मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी इतनी महिलाएं जो होंगी प्रैक्टिशनर, उसमें से भी कुछ कम स्ट्रेंथ मान ले तो रेगुलर प्रैक्टिशनर होंगी, पूरी नहीं होंगी। रेगुलर प्रैक्टिशनर क्यों कम है, मतलब अगर ऑन रोल है तो? देखिए, रेगुलर प्रैक्टिशनर इसलिए कम है, सबसे पहली बात, यहाँ पे हर ज़िले से लोग आ रहे हैं जो हाईकोर्ट में इनरोल हो रहे हैं, और जब नई जो गर्ल्स आ रही हैं उनके साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि एफर्ट करना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हो पाता है, और रूम रेंट्स, खाने का सभी चाहिए होता है, किसी, हम बाइक, मतलब किसी भी उससे आ रहे हैं, हम लोग की फिक्स इनकम नहीं है, हम लोग को जो बाइक वगैरह लेते हैं, इस एक्टिवा वगैरह, उसका भी खर्च निकालना है, प्लस एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इस वजह से स्ट्रेंथ भी, हफ्ते में एक बार ड्राई क्लीन कराएंगे तो 200 तो वो हमको चाहिए, यूनिफॉर्म तो हम लोगों की है। और दूसरी चीज़, सेकंड थिंग ये मैं कहूँगी कि सबसे पहली बात ये रीज़न है कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं हमारे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने हैं एडवोकेट्स, तो गर्ल्स को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ पे रूम रेंट भी वकीलों के नाम पे लोग नहीं देते हैं, ये बात सच है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, दोनों के साथ है, मेल एंड दोनों के साथ है, मेल हो या फीमेल हो, वकील अगर किसी ने सुन लिया कि हाँ पेशा क्या है आपका, एडवोकेसी है, सॉरी मैम, सॉरी सर, हाँ, तो ये इस वजह से भी एक सबसे बिगेस्ट रीज़न यहाँ पे मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को एडवोकेट्स के बारे में सोचना चाहिए, खास तौर से फीमेल एडवोकेट्स के बारे में, जो स्टार्टिंग कोई भी गर्ल्स जो स्टार्ट कर रही है एडवोकेसी, उसको अंडर 5 ईयर्स तक मिनिमम कुछ ना कुछ फंडिंग करनी चाहिए, जिससे जूनियर को सरकार प्रमोट अच्छा करे और वो लोग आगे बढ़े। ब्रीफ होल्डर और एजीए और ये स्टैंडिंग काउंसिल, जिसे हम स्थायी अधिवक्ता कहते हैं, इनको, इसको भी लेकर के मुझे प्रॉब्लम है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास जुगाड़ है आप सेलेक्ट हैं, आपके पास जुगाड़ नहीं है आप पीछे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 85 नंबर का कम से कम एग्जाम करा दो, बिल्कुल, कम से कम जो लर्नेड होंगे, जो कैपेबल होंगे, जिनके अंदर क्वालिटी होगी, वो निखर करके सामने आ जाएंगे। ऐसे तो मैं किसी क्या कहते पार्टी का गुण गा रही हूँ, मैं अंदर हो गई कि कोई फैमिली संभाल रहा है, बच्चा संभाल रहा है, घर के अंदर है, वो कुछ नहीं है, कहने के लिए एडवोकेट है, 10-15 साल की प्रैक्टिस है, लेकिन क्या है, हाफ एडवोकेट हाफ हाउस वाइफ, क्योंकि जब जुगाड़ नीति पे ही सिलेक्शन लेना है तो ऐसे तो पूरे भारत में जितनी वैकेंसीज है सबको आप जुगाड़ नीति पे डाल दो। अभी हमारे राजस्थान में 70,000 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है वो डायरेक्ट भर्ती करवा रहे हैं, अभी राजस्थान की लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसे ही अपने यूपी में करवा दो जी, जब जुगाड़ पे ही सब कुछ करना है तो, अदरवाइज जिनका कोई जुगाड़ नहीं है उनको भी आप मतलब मौका दीजिए, और यहाँ पे
अभी अभी मुझे पता चला, मैंने कभी गौर नहीं किया, यहाँ कोई डेजिनेटेड लेडीज लॉयर नहीं है, कोई सीनियर लेडीज एडवोकेट ही नहीं है लेडीजों में। मतलब क्या है, हम लोग कैपेबल नहीं है? यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोग प्रैक्टिस करती है? मैंने जितना पढ़ा, जितना मुझे गूगल पे जानकारी मिली, उस हिसाब से मुझे ये पता चला कि अब तक यहाँ पर कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस की बात आप छोड़ दीजिए, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट को लेडीज नहीं है, डेजिग्नेटेड नहीं है। अभी कोलिजियम में इसकी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि चलिए चीफ जस्टिस के लिए सोचा जाएगा कि हम महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, बट जितने भी यहाँ से नाम जो जाते हैं डेजिग्नेशन के लिए, तो क्या गर्ल्स क्या कोई भी नहीं एलिजिबल है? 10 साल 15 साल की मान लीजिए नहीं है, लेडीज हैं जो सीनियर काउंसिल बनने लायक हैं, बहस कर सकती हैं, अच्छा आर्गुमेंट करती हैं, अगर भी उनका कहीं कोई नाम नहीं है तो वो मिनिमम आई थिंक 40 आवर्स, वो 14 मिनट्स तक वो बहस कर सकती हैं। अच्छा, आप लोग फीमेल एडवोकेट्स हैं, ऐसा होता है कि जब पब्लिक आती है या जब वो एडवोकेट्स को अप्रोच करती है तो फीमेल होने के नाते आप लोग को प्रेफरेंस कम दी जाए कि ये हमारे लिए क्या लड़ेगी? ये नेचुरल सी बात है, यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं हैं, एडवोकेसी में नहीं, हर जगह आप सामाजिक जो जाइए महिला है क्या कर पाएंगी, बट ऐसा नहीं, फीस कम है। अगर जेंट्स को 3,000-4,000 दिया जा रहा है तो महिलाओं को 2,500 या 2,000 दिया जाएगा। अगर आप डिबेट पे उतरते हैं कि महिला मतलब हमारी फीस मेल के अकॉर्डिंग कम क्यों है, तो सीधी सी बात है आप महिला हैं, करना हो करिए। अच्छा, अगर हम छोड़ते हैं उस काम को, तो मेरे बगल में तुरंत खड़ी हैं लेडीज़ें अपनी डिग्री लेकर के, ठीक है आई एम सेटिस्फाइड, मैं 2,500 में सेटिस्फाइड हूँ। तो महिलाओं को ये तो कहने की बात ही नहीं, ये अंडरस्टूड है कि महिलाओं को जेंट्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आका जाता है, चाहे वो उससे बेहतर हो, चाहे उनकी डिग्री उनसे बेहतर हो। और मैं आगे ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारी मदर बॉडी है यूपी बार काउंसिल, उसमें भी जैसे गवर्नमेंट अभी कुछ हाल में ही कुछ इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 33% हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, तो हम अपनी मदर बॉडी के लिए भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 33% तो हम महिलाओं की स्ट्रेंथ बार काउंसिल यूपी में हो जाएगी। अगर यूपी में हमारी मदर बॉडी मजबूत रहेगी तो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की महिलाएँ होंगी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सारी महिलाएँ मजबूत होंगी। तो मैं इसमें भी PIL करने के लिए भी आगे व्यवस्था कर रही हूँ। किस में जी आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा सिंह है, मैडो स्नेहा सिंह। क्या क्या आपको लगता है कि एक फीमेल एडवोकेट होने के नाते क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करती हैं? प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो एक बहुत सालों से बंधा हुआ है कि हमारा समाज जो पुरुष प्रधान समाज है, जब हम महिलाएं डायस पे जाते हैं तो पुरुषों को लगता है कि इनका काम तो है खाना बनाना, बच्चा पालना, ये इससे अधिक काम नहीं कर सकती हैं, उन्हें ये हमेशा ये लगता है, और उसका भुगतान हम लोगों को उस डायस पे भी करना पड़ता है। बहस हमारी उनसे अच्छी होती है बट हमारे साथ सपोर्ट मेंबर कम होते हैं, इसलिए हमें उस सब चीज़ों को झेलना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अच्छा, एडवोकेसी के अलावा भी जैसे कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे जो रजिस्ट्री करते होंगे, ये उसमें महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितनी महिलाएँ दिखती है वहाँ? वो तो देखिए वो रिक्वायरमेंट ना के बराबर है, ना के बराबर है वहाँ पर महिलाएँ, और क्योंकि इसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, फिजिकल वर्क है, और जो इनकम बहुत कम है, पैसे के लिए महिलाएं घर से निकलती हैं, जब वही चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी, जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं रहेंगी तो वो करेंगी क्यों? जैसे यहाँ पे मुंशीगिरी लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे महिला मुंशी आपको नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेंगी, नहीं वो सिर्फ जेंट्स ही मिलेंगे, महिलाएं कोई भी नहीं है जो मुंशीगिरी कर रहे हैं इस टाइप में। जूनियर्स तो मिल जाएंगे पर मुंशी आपको महिलाएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न लगता है आपको कि जैसे लॉ की जब पढ़ाई करने की बात आती है तब लॉ जैसे इंजीनियरिंग है तो वहाँ हम देखते हैं कि लड़के ज़्यादा हैं, कोई कोई ब्रांच में मैकेनिकल में, लॉ में मैं देखती हूँ कि पढ़ने तो लड़कियाँ इक्वली आती है, फिर क्यों वो रिफ्लेक्शन हमें यहाँ नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ का जो वो माहौल है ना, जब हम आते हैं काम करने यहाँ आते हैं तो हमें वो माहौल, जैसे अगर मान लीजिए आप 1 पर्सन में और मेरे साथ 10 लोग, तो वो 10 लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें। इसी कारण आज तक हमारे वहाँ सोचिए एक भी सीनियर एडवोकेट नहीं, एक सिंगल सीनियर एडवोकेट नहीं, जब हाँ फीमेल, जबकि ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन काम केस हमारे पास भी फुल है, हम भी उस हिसाब से बहस भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी होती है, और ये आज की पार्शियलिटी नहीं है। अब चूंकि हमारी सरकार हमारे साथ है, मोदी जी का एक बहुत अच्छा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम जो हम लोगों के लिए लेके आए, उनसे ही हम लोगों का ये आग्रह है कि इस हाई कोर्ट की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, कुछ क्योंकि कुछ महिलाएं वाकई में काम करना चाहती हैं और वाकई में आगे बढ़ना चाहती हैं, बट वो है कि हमें वो रास्ता नहीं मिल पाता है, हमें वो उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है, हम जो करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते। कोर्ट के अंदर महिलाओं के लिए व्यवस्था कैसी है? मतलब जैसे आप लोग अंदर जाती हैं वॉशरूम
वॉशरूम कैसा है, माहौल कोर्ट के अंदर तो बिल्कुल अच्छी है, उसमें वो बहुत अच्छा, उससे हम लोग को कुछ नहीं दिक्कत है। दिक्कत हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज में है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, महिला चैम्बर भी आपको नहीं मिलेगा, जहाँ नहीं नहीं वहाँ पे कोई पर्सनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाई कोर्ट में तो ये व्यवस्थाएं हम लोगों की स्ट्रेंथ की वजह से भी हुई हैं, हम लोग की स्ट्रेंथ की वजह से हम लोग ये करवा पाए हैं, वरना वो भी ना होती। स्ट्रेंथ हम लोगों की, हम लोगों ने कुछ करके करवाया। लाइक दैट एक जॉस है, अगर काफ़ी आवाज़ कर रहा है या कोई चीज़ एक बार स्टेबल हो गई, एक बार अगर लग गई, तो उसको हमें चेंज करवाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और हम ये थोड़ी चाहेंगे कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो महिला प्रैक्टिशनर हैं, एडवोकेट हैं, उनके लिए ये व्यवस्था हो कि वहाँ पे चैम्बर हो, चैम्बर्स हों। बाकी सेक्टर्स में वुमेन रिजर्वेशन की बात होती है, चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पर एक वेमेन रिजर्वेशन की, अगर वेमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो दिया जाए। यहाँ कोई वेमेन रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन रिजर्वेशन होना चाहिए। हम महिला ये डिमांड करेंगे कि हम सरकार, आने वाली सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हम हाईकोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, हमें भी यहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट से लेकर जज बनने तक का और चीफ जस्टिस बनने तक का रिजर्वेशन हम लोगों को चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मेल हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो क्यों महिलाएँ क्यों नहीं बन सकती हैं? महिलाएँ आज कहाँ से कहाँ दुनिया में चली गई है, तो हम ये चाहेंगे कि महिलाओं के लिए भी एटलीस्ट इतनी व्यवस्था हो कि वो उस रिजर्वेशन का अच्छा फायदा ले। आप लोग ये फेस करती हैं कि जैसे जब कोई आप लोग के पास पब्लिक आती है तो फीमेल एडवोकेट देख के वो थोड़ा हिचकती हैं, या फिर महिलाओं का ही केस होता है तभी महिलाएं महिलाओं के पास आती है, ऐसा कुछ होता है? कॉमन सी बात है, बात ये कॉमन सी बात है, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि पुरुष थोड़ा हिचकता है और महिलाएं भी। हम लोग पुरुष के बराबर हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी को कहाँ से माना जा रहा है? अभी भी जब हमारे दिमाग में है कि हमारी पुरुष प्रधान देश, जितनी भी एडवोकेट्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, या हमारे हाई कोर्ट में या भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी स्टेट के कोर्ट में जितनी भी एडवोकेट्स दिख रही हैं, उनकी अगर आप रियल लाइफ में अगर आप अंदर जा कर के झांकिए तो आप देखेंगे बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँची होती हैं, इतना इजी नहीं। हाँ, मैं ये मानती हूँ 1% हो सकता है बहुत लेविशनेस से आगे बढ़ती हैं, बट एडवोकेट्स वो भी लेडीज अगर हैं, बहुत सफर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, और आगे भी हमें सफर करना है, हमें ट्रैवलिंग में सफर करना है, हमें विजिट में सफर करना है, हमें सोसाइटी को फेस करना है, हमें मेल फेसेस फेस करना है, बहुत कुछ हमें। जब यहाँ से महिलाएं विजिट पे जाती हैं हाईकोर्ट से, जो नए महिलाएं हैं आती हैं, ट्रेन लेट हो गई, फिर भी हमें सोचना पड़ता है, उस वक्त हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं, ये ड्रेस नहीं होता है, तो उस वक्त ये बता पाना, क्योंकि अगर आपकी बहुत हाइट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तब तो एक पल के लिए ये होता है कि हो सकता है कि मैडम किसी पोस्ट पे हों, तो जेंट्स हैं बोलने से पहले हिचकिचाएंगे। अगर कोई थोड़ी हाइट कम है या फिर नॉर्मल कोई लड़की लग रही है, और अगर वो विजिट से लौट रही है, कितनी भी वो टैलेंटेड हो, स्कॉलर हो, एक बार तो वो लोग ज़रूर सोचेंगे कि चलो ठीक है, वो फीमेल की नज़रों से देखते हैं, वो औरत की नज़रों से देखते हैं, और बाकी ना मीडिया से ना किसी से छुपा तो है नहीं कि महिलाओं को लेकर के क्या क्या समस्या है। कॉल टाइप टू बिचारी, आज भी महिलाओं को यहाँ बेचारी लोग समझते हैं, तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम उसी गवर्नमेंट को वोट करेंगे जो हम फीमेल्स के लिए सोचे, ऑल ओवर जितनी भी हमारे हाई कोर्ट की तरफ ध्यान दे, हमारे जितनी भी महिला प्रैक्टिशनर बहुत सफर करती है, इनके लिए ना कोई पेंशन। लोग की हायरिंग वायरिंग में भी गवर्नमेंट का रोल होता है कि, या सरकार से बिल्कुल नहीं, कोई रोल नहीं होता उसमें, कोई ऐसे दबाव या कुछ सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से कोई दबाव, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। हमारे हाई कोर्ट में गर्ल्स की या बॉयज की जो ये प्राइवेटाइजेशन जो है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, अगर इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे तो फ्यूचर हम लोगों का बेहतर हो सकता है। हम लोग स्ट्रगल कर ले रहे हैं किसी तरीके से, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, अगर प्रैक्टिस का यही हाल रहा, और कोविड, क्योंकि सब किसी से छुपा नहीं है, ओमिक्रॉन है, कोविड है, तो फ्यूचर में कैसे क्या होगा? विजिट तो ख़त्म हो जाएगी, प्राइवेट प्रैक्टिस जितनी सीनियर्स की चलेगी, जूनियर्स कहाँ जाएंगे? और कम एज की जो स्टार्टिंग की जो एडवोकेसी जो स्टार्ट करती है, उनको फैमिली क्यों भेजेगी? जब आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन आपको डिबेट बहस करना है, ऑनलाइन तो आप तब करोगे जब आपके पास फाइल रहेगी, उस फाइल को लेने के लिए आप कहाँ जाओगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी कोविड, अभी चुनाव चल रहा है, कोविड से लोग परेशान हैं, कुछ जजेस भी, CJI हमारे इफेक्टेड थे ही, ओमिक्रॉन से भी वो इफेक्टेड हैं, उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले बोला कि इस वायरस को हल्के में ना लें। अभी अगर ये बंद हो जाता है, फिर से भारत बंद हो जाता है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस वाले जाए कहाँ, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। 2 साल बहुत हम लोग को एफर्ट करना पड़ा है, जब भी ये एक मजदूर और एक वकील, ये दोनों इक्वल हो गए थे, इक्वल हो गए हैं, जैसे
एकदम इक्वल हो गए थे। तो मजदूरों से भी ज्यादा खराब है। एटलीस्ट मजदूर का ये फिक्स है कि आप 8 घंटा काम करोगे तो आपको 400-500 रुपए मिल जाएगा, लेकिन वकीलों का कोई फिक्स नहीं है कि आप खास कर महिलाओं में है। काम कोविड में भी बंद था, मजदूर भी बंद के, लेकिन जहाँ जहाँ अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ ना कुछ तो होता था, उनको 200-400 रुपए तो मिल रहे थे। यहाँ तो इतने पैसे लगा करके डिग्री हासिल कीजिए। तो एडवोकेट की स्थिति मेल हो या फीमेल बहुत ही बदतर हुई। और देखिए मेल तो फिर भी बाहर निकल रहा है, कोविड में जा रहा है, उसको अपने घर का काम करना है, पर फीमेल तो हाउसवाइफ भी है। हम लोग एडवोकेट के साथ हाउसवाइफ भी है, जो हमें घर की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो इससे हम लोगों के लिए इतनी दिक्कतें हुई इतना, तो मैं चाहूँगी कि मैं सरकार को, जो भी आने वाली फ्यूचर में सरकार है, ना महीने में कुछ फेस करना है ना उनको कुछ, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एड्स वगैरह जैसे जब आप लोग के आते हैं तो उस फैक्टर को कंसिडर किया जाता है जब कुछ चल रहा हो? कुछ नहीं, आपको पीरियड्स आए, आपको कुछ भी हो, आप जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कुछ भी आप उसको यूज करिए, दर्द हो जो हो, आप दौड़ते रहिए, काम कीजिए, काम प्रायोरिटी है। मैं तो यहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं है। जो भी फ्यूचर की गवर्नमेंट है, एटलीस्ट हर हाई कोर्ट, मतलब हर जितने भी हाई कोर्ट, हमारे यूपी में हाई कोर्ट है, इलेक्शन है, तो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक व्यवस्था महिलाओं के लिए ऐसी करनी चाहिए कि एक हॉस्पिटल हो और वहाँ पे महिलाएं अपनी प्रॉब्लम के, लेडी डॉक्टर बैठे, हम अपनी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हम जिनसे वगैरह नहीं है अभी, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर में कोई प्रॉब्लम हो जाए और अगर हम लेडीज चैम्बर में लेटने के लिए सोचें, स्ट्रेस में भी पैड वगैरह का वो सवाल ही नहीं उठता कि हम लेट सकते हैं लेडीज चैम्बर में। मैंने भी, मेरा भी एक बेटा है, मैं 7 महीने तक लेकर के पेट में आई हूँ। अगर मुझे ये होता था कि लाओ दोपहर में आफ्टरनून में थोड़ा सा कोई मील वगैरह मैंने लिया, और लेटने के लिए अगर हम सोचे, मैंने यहाँ पे हाईकोर्ट में क्रैच के लिए बहुत फाइट किया है, बहुत फाइट किया है। यहाँ क्रैच नहीं है, कोलकाता में है, यहाँ पे क्रैच नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी यहाँ की जो गवर्नमेंटेड गर्ल्स हैं, यहाँ पे आरओ हैं और भी पोस्ट पे हैं, उन्होंने कुछ लड़कियाँ ऐसी भी जो मेरे साथ में लगी हैं उस समय, ये कोई आफ्ताब आलम कौन थे, आफ्ताब आलम जी थे सीजे, उनके चैम्बर में मैं गई थी कार्ड लेकर के। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हाईकोर्ट में कहीं जगह देख लो, वहाँ पर मैं एक क्रैच के लिए खुलवा दूंगा। मीडिएशन सेंटर के पास हम लोगों ने जगह देखी, मैं थी, कुछ महिलाएं और थी जिनको किड्स, जिनको होने वाले थे, कंसीवनेस जो थे, लेकिन नहीं खुला तो नहीं खुला। चलिए मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन ये एक इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्रैच तो मस्ट भी होना चाहिए। और ऐसी कई समस्याएं हैं छोटी छोटी, मैं कितनी बात जैसे छोटी जगह मैं कहीं जाती हूँ, मैं किसी सरकारी स्कूल में जाऊँ, मैं वहाँ उतना नहीं एक्सपेक्ट करती कि यहाँ पर इतना फीमेल फ्रेंड, लेकिन कोर्ट तो इतना, एक दो महिलाएं, एक महिला तो ऐसी ही है हमारे हाई कोर्ट में कि मैं दिखा सकती हूँ आपको, बच्चा लेकर के आती है, टेबल पे लिटाती है, उसके घर में कोई करने वाला नहीं, तो बेबी का भी यहाँ पे ऐसा हो कि जिसके छोटे बेबी है, अब जो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ही काउंसिल है, एडवोकेसी ज्वाइन करने का, बच्चा ही ना करें, ये हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। फिर हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो बच्चों का भी एक प्ले टाइप का हो कि जिसके छोटे बच्चे हैं उस प्लेस टाइप के रूम में उसको किसी की व्यवस्था में देखा जाए, तो जिससे हस्बैंड वाइफ दोनों का घर में जिसके करने वाले नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है फैमिली के लिए। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना तो चाह रही हूँ कि हाई कोर्ट में क्या, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा ये भी कोई सियोरिटी नहीं है। अभी जब 11 साल से मैं हूँ हाई कोर्ट में और मेरा बेबी इस समय 9 साल का हो गया, 1 साल से 7 साल तक मैंने फ़ाइट किया, मुझे सफलता नहीं मिली, नहीं मिली। सीजे साहब ने कहा कि आप जगह देख लो, जगह नहीं मिली मुझे। क्या वजह है कि पिछले 70 सालों में यहाँ पर एक भी फीमेल सीजे नहीं आई, मतलब चीफ जस्टिस नहीं आई? क्या मतलब टैलेंट की कमी है, या महिलाएं खुद ही सामने नहीं आती है, या उन्हें बराबर मौके नहीं मिलते? आप खुद नहीं कह सकती है महिलाओं में टैलेंट की कमी है, क्योंकि आप काम ये कर रहे हो, मैं भी वो काम कर रही हूँ, फाइटर प्लेन भी उड़ा रहे हैं, कहाँ टैलेंट की कमी है? स्क्वाड लीडर हैं, सारी चीज़ मैनेज कर, मौके बराबर मौका नहीं दिया जाता है। मेन तो बात ये है कि अभी भी महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है पुरुष प्रधान देश है तो ये महिलाएं नहीं है। अभी बार की चुनाव होती है, उसमें अगर कोई महिला लेडीज बड़े पोस्ट पर खड़ी हो जाओ चुनाव लड़ने के लिए, वो नहीं जीत पाएगी, उसको जीतने नहीं दिया जाता है। क्यों? सचिव महिला रह चुकी है साधना उपाध्याय जी, जो सीनियर है हमारी काउंसिल है, पर वही अभी तक हम यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सचिव के रूप में, और भी लेडीजें लड़ती हैं जब चुनाव, तो वो हार जाती हैं, हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री महिला हो चुकी है, फिर हाईकोर्ट में सीनियर क्यों नहीं हो सकती है महिलाएं? मतलब क्या रीजन लगता है? अब हम तो यही कहेंगे कि भाई सत्ता में तो जेंट्स बैठे हैं, कलम उनके हाथ में, कोलेजियम उनके हाथ में है, होना जुगाड़ नीति से है। अभी तक उन लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं। हमारे यहाँ से
सीजी रह चुके डीवाई चंद्रचूड़ जी जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्होंने कहा है, बात कोलेजियम में हो रही है कि महिलाओं को वरीयता देनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है, दिया जाता है या नहीं, बातें तो बहुत सी होती हैं। इतना शॉकिंग फैक्टर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इतना नाम है, 70 साल में एक भी कुछ ना कुछ। और दूसरी बात मुझे ये समझ में आता है कि जो भी गवर्नमेंट आई है या सोची है, कम से कम इस हाईकोर्ट की तरफ तो ये हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की समस्या नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हाईकोर्ट है सबकी यही समस्या होगी जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अब वहाँ हो गया होगा, बट लगभग जो मैं इलेक्शन का समय है, बातें हो रही हैं, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सारी बातें खत्म हो जाएंगी, फिर कोई नहीं, फिर ना आप आएंगी ना हम कुछ बोलेंगे ना कोई कुछ कहेगा। अभी अभी जब मैं आई हूँ तो आप लोग हमारे माध्यम से, अगर मैं पूछूं कि आप लोग क्या चाहती है सरकार से फीमेल एडवोकेट्स के लिए, क्या करे सरकार, हम लोग तो वोट उसी को करेंगे, सपोर्ट उसी को करेंगे जो हमारे फीमेल के लिए सोचेगा और एडवोकेट्स के लिए जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए सोचेगा। अब हाईकोर्ट में क्रैश तो बहुत जरूरी चीज है। सेकंड डिमांड है कि जो विधानसभा जो पार्टियां इस समय आगामी चुनाव में जीतने वाली हैं, तो मैं कहूंगी महिला रिजर्वेशन आप 50% नहीं तो 33% तो कर ही दीजिए। आपकी क्या, मैं चाहती हूँ कि जूनियर के लिए कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए, क्योंकि जूनियर बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और वो इतना ज़्यादा सफ़र करती हैं, फिर घर से आना, फिर उसका पैसा खर्चा करना, गाड़ी का, खाने का, लंच का, हर चीज़ का पैसा जब अपने पास से ही लगाओगे तो पेरेंट्स ये कहेंगे तुम कर क्या रही हो, फिर तुमने वकालत किया ही क्यों जब तुम 1 रुपया प्रॉफिट नहीं किया। इससे बढ़िया किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, इससे बढ़िया IAS की तैयारी करो, किसी और चीज़ की तैयारी करो, घर बैठो क्या मतलब है जब 1 रुपया यहाँ कमाएगा नहीं इंसान। तो मैं ये चाहती हूँ कि बिगनर पेटिशनर के लिए कुछ हो, अदरवाइज बहुत सारे हमारी खुद ही फ्रेंड्स हैं ऐसी लड़कियां जो घर बैठ गई तैयारी कर रही हैं, जब यहाँ कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों आएंगी, क्या मतलब है। तो कुछ स्टार्टिंग अमाउंट हो और महिलाओं को भी रिजर्वेशन दी जाए। और सबसे बड़ी समस्या है कि ये सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट इस पे जरूर गौर करे कि अभी तक कोई मतलब ना कोई गवर्नमेंट जो है कि अभी तक कोई चीफ जस्टिस महिला नहीं हुई है। उससे भी बड़ी बात ये है कि अभी कोई सीनियर एडवोकेट महिला इस हाईकोर्ट में नहीं है। और सबसे, मैं देवरिया की रहने वाली, तो मैं देवरिया पर बात करती हूँ, देवरिया की स्थिति तो यहाँ है कि वहाँ मतलब पूरे देवरिया में मैंने घूम ली, मैं 1 साल तक वहाँ हमेशा जाती रहती हूँ। वहाँ देखिए आपको पूरे हाई वहाँ बहुत सारी में मतलब जेंट्स होंगे, लेकिन वहाँ पे 1-2-3 मतलब मैक्सिमम मैंने अभी तक वहाँ महिलाएं देखे 10 से अधिक नहीं है। और वहाँ नहीं महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट है और ना ही ज्यादा वहाँ महिलाएं हैं, मतलब बहुत स्थिति खराब है वहाँ की। इनका रीजन है जो हमारी मदर बॉडी है, जैसे हम विधानसभा में 33 महिला रिजर्वेशन की बात करें, 50% ना दीजिए 33% दीजिए। इवन मैं PIL भी करूंगी इस बात के लिए कि जब हर जगह महिला रिजर्वेशन है तो हमारी मदर बॉडी बार काउंसिल UP में क्यों नहीं है, यहाँ भी होनी चाहिए व्यवस्था, जिससे आगे के मैनेजमेंट जब एक महिला जब वहाँ जाएगी सदन से लेकर बार काउंसिल UP तक जाएगी तो वो महिलाओं की समस्या बड़े आराम से समझ सकती है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी महिलाएँ पिछड़ी हैं। मेरा भी सरकार से यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई सरकार हम महिलाओं को भी 33% आरक्षण दे। कुछ अधिवक्ता महिला वाकई में काम करना चाहती हैं बट उन्हें वो माहौल, वो चीज़ें नहीं, वो मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो आगे बढ़ें, तो हमें भी वो मौका दिया जाए और हमारा भी सुना जाए। और बाकी थैंक यू आपको। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की कुछ महिला वकीलों को आपने सुना जो यहाँ प्रैक्टिस करती हैं, कुछ बहुत शॉकिंग फैक्ट सामने आए। अब वैसे शॉकिंग तो ये नहीं है, आप और हम इसको बहुत नॉर्मल मान लेते हैं, कहते हैं कि ये हर जगह की रियलिटी है कि 18,000 यहाँ पे मेल प्रैक्टिशनर्स है और उसके कंपैरिजन में 1,000 फीमेल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड हैं, 200-300 यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं। दिक्कतें बताई कि आखिर जो महिलाएँ हैं, जो 1,000 महिलाएँ जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी क्या दिक्कतें, जैसे क्रेच नहीं है यहाँ पर, सिकरूम नहीं है, बेसिक व्यवस्थाएँ नहीं हैं, और जो एक मेल डोमिनेंस पेट्रियार्कल माइंडसेट हम सोसाइटी के हर सेक्टर्स में देखते हैं वो यहाँ भी देखने को मिलता है, जो जिसको हम पुरुष सत्तात्मक समाज कहते हैं वो समाज का एक रिफ्लेक्शन यहाँ भी देखने को मिलता है कि किस तरह की दिक्कतें ये फेस करती है, इन्होंने बताया। और इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड की कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने, मेरा नाम सोनल है, आप प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से हमारी ये रिपोर्ट देख रहे थे। शुक्रिया।